हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विक्रांत और आप देख रहे हो विकटेक 93। आज हम करेंगे स्विमिंग पूल वाटर टेस्ट। कैसा करना होता है, किट कैसा होता है, पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। कुछ मेरे पास इस तरह का किट है जो स्विमिंग पूल का पानी हम टेस्ट कर सकते हैं। स्विमिंग पूल के पानी में हम क्लोरीन चेक करते हैं और दूसरा है पीएच चेक करते हैं। कुछ इस तरह का किट आता है, ये देख लीजिए। एक जो होता है ये वाला जो पार्ट है ये क्लोरीन चेक करने के लिए होता है और ये जो पार्ट है ये पीएच चेक करने के लिए होता है। और पीएच और क्लोरीन चेक करने के लिए कुछ इस तरह का केमिकल आता है। वो ये लिक्विड में है मेरे पास और कुछ टैबलेट में भी आता है। डालना कितना है वो एज पर इंस्ट्रक्शन से पता चल जाता है। इस अभी मेरे पास जो लिक्विड है ये हमको चार चार ड्रॉप ही डालना पड़ता है। अभी हम स्विमिंग पूल का पानी लेंगे। ऑलरेडी पानी तो ले लिया स्विमिंग पूल का। ये जो मार्क दिख रहे हैं ये मार्क तक ही पानी लेना होता है। इसके बाद हम डालेंगे चार चार ड्रॉप केमिकल चेक करने के लिए कि पीएच क्या दिखाता है। 1 2 3 4 पीएच चेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी चार ड्रॉप डाल दिया। अभी हम क्लोरीन के लिए डालेंगे। 1 2 3 4 ये मैंने डाल दिया चार ड्रॉप क्लोरीन के लिए और पीएच के लिए चार ड्रॉप। थोड़ा मिक्स होने दीजिए। ये हो गया मिक्स। जैसे कि आप देख रहे हो ये कलर जो आया है ये वाले कलर से मैच करना होता है। अभी ये जो है हाई क्लोरीन दिखा रहा है, 1.5 के आसपास से थोड़ा ऊपर है और पीएच जो दिखा रहा है टोटली डाउन दिखा रहा है, 6.8 के आसपास दिखा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सोडा ऐश इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्लोरीन के लिए क्लोरीन मिलता है वो ऐड करना पड़ता है और सोडा ऐश जो है पीएच मेंटेन करने के लिए डालना होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।